हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि ऑटो कट की सेटिंग कैसे की जाती है, ऑटो कट पर रेंज कैसे सेट की जाती है। स्टार्टिंग रेट इसकी 100 PSI होता है, उसके बाद इसको 150 PSI पे कैसे कट करना है, कैसे सेट करना है, आज आपको दिखाता हूं। तो पहले कंप्रेसर स्टार्ट करते हैं। ये नया ऑटो कट लगाया हमने जो इंडोफोर्स का है, इसकी स्टार्टिंग रेंज 100 PSI है, और यानी कि 7 kg, ये 7 kg पे कट होगा। उसके बाद इसको कैसे बढ़ाना है आपको दिखाऊंगा। देखिए कंप्रेसर स्टार्ट हो चुका है, अब आपको दिखाता हूँ ये कितने पे कट होता है। आप देख रहे हैं 100 PSI के अराउंड भी एक कट हो गया है। अब इसकी रेंज बढ़ानी है तो इसको मैं आपको तरीका बताता हूँ कैसे करते हैं। ये स्प्रिंग देख रहे हैं, इसके ऊपर एक 8 नंबर का पेच लगाया है, इसके हम इसको टाइट करेंगे। स्टार्ट हो गया है, अब देखते हैं कितने बजे जाके कटआउट मारता है। इसको देखिए 120 में जाके कट हो गया दोबारा। अब इसको थोड़ा सा और टाइट करेंगे स्प्रिंग को, जिससे इसकी रेंज थोड़ी और बढ़ जाए। थोड़ा सा टाइट करके इसकी आगे से हवा निकालेंगे। देखिए ये हो गया रीस्टार्ट, अब देखिए कितने में कट होता है।
देखिए 140 पे कट हो गया ये, दैट मीन 7 केजी हवा हो गई है, और 10 केजी सॉरी 7 केजी 10 केजी हवा हो गई है। हमें इतने पे ही सेट करना है इसको ऑटो कट को। तो आपने देखा ये अराउंड 100 केजी से 140 तक केजी तक हमने कैसे सेट किया है, इस स्प्रिंग से सेट किया। जितनी इसकी रेंज बढ़ानी है हमें इसको टाइट करते रहना है, और जितनी रेंज इसकी स्लो कम करनी है इसको लूज़ करते रहेंगे। तो ये हमारा ऑटो कट की सेटिंग की आपको बता दिया मैंने। स्टार्टर की वायरिंग का आपको मैंने पहले ही पिछली वीडियो में बताया था, तो आप पिछली लास्ट वीडियो मेरी देख सकते हैं जिसमें स्टार्टर की वायरिंग और ऑटो कट की वायरिंग कैसे की जाती है। तो होप आपको अच्छा लगा हो मेरा वीडियो और नॉलेजेबल हो आपके लिए। तो मेरा वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक बार फिर से ऑटो कट का दिखाता हूँ। ये वाले स्प्रिंग से रेंज सेट होती है, लूज़ या टाइट कम ज़्यादा सब कुछ इससे होता है, किसी और चीज़ को मत छेड़िएगा। आपको दोबारा एक बार ये हवा निकाल के इसको दिखाता हूँ। ये देखिए हवा निकाल रहे हैं यहाँ से, ये रीस्टार्ट हो गया। दोबारा ही 140 पे आके कट हुआ, दैट मीन हमारा 140 पे सेट हो चुका है ऑटो कट। होप आपको मेरी वीडियो नॉलेजेबल लगी हो। तो दोबारा बोलता हूँ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मैं दिखाता रहूँगा।